सुना सुना, वो गठक दल नाम बदलने क्या विरोध कर रहे हैं जिन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई करवाया था। कैन यू इमेजिन द आयरनी एंड द इडियोसिटी। डीएमके वो पार्टी जिसने लड़के मैड्रास को चेन्नई करवाया, वो पार्टी जिसने लड़के कैलकटा को कोलकाता करवाया, वो लड़ रही है कि ये नाम क्यों चेंज कर रहे हो। तो साथियों, कल मुझे किसी ने एक मीम भेजा, वो ज्ञान का मीम जो होता है कि अगर आप चालाकी करेंगे तो आप हमेशा बंधन में रहेंगे और अगर आप सरल हो गए तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, इस तरह का कोई था। तो पता है मैंने उनका क्या जवाब दिया? मैंने कहा भाई इस हिसाब से मोदी जी तो हमेशा बंधन में रहते होंगे क्योंकि उनकी चलाकियों से यार वाकई यार वो यार गलत करते हैं यार। देखो यार, मोहल्ले में भी जब कहीं शादी होती है पड़ोस में तो पूछ लिया जाता है भैया तेरियां कब है, तो वो कहता है भैया मेरियां 15 फरवरी को है मेरे बेटे की, तो आदमी कहता है मैं अपनी बेटी की 20 फरवरी को रख लेता हूं, अगर मान लो तारा डूबा ना हो कि यार गली में रश नहीं होगा। मतलब यार इतनी इतनी कॉमन सेंस तो पड़ोसियों में होती है यार। मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ उंगल यार लकड़ी फंसा देते हैं। अब यार वो लेके आ गए कि स्पेशल सत्र, अब सब बैठे हैं भैया क्या स्पेशल सेशन में क्या होने जा रहा है, परेशान है सब। अब वो ये आ गया साहब प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अब सब इसमें लगे हुए हैं साहब हैं। वो बेचारे मुंबई में बैठक कर रहे हैं, कहीं बैठक कर रहे हैं कि भैया वो एक चर्चा का विषय बनेगा, माइक लगेंगे, चर्चा होगी। यार ये अजीब खेल बिगाड़ देते हैं। वो बेचारा हमारा INDIA वो अपना रांची का मैच शुरू करता है, तुम मोदी जी यार वर्ल्ड कप की टिकट बेचने लगते हो यार सारी TRP के कैमरे वर्ल्ड कप की तरफ चले जाते हैं। अब रांची साला कौन देखे जब वर्ल्ड कप शुरू हो गया देश में राजनीति का। तो यार ये बात वाकई गलत है और इसी पर है आज छोटा सा वीडियो, थोड़ा नोटी नोटी है समझ जाना। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब रायता फिर बिखर गया, वो क्या बेचारे मुंबई की मीटिंग करके वैसे ही उनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है। कल उस पर वीडियो बनाऊंगा सीट शेयरिंग को लेकर, एक एक्सक्लूसिव जानकारी है मेरे पास, एक्सक्लूसिव। अब जब डंकी की चोट पर बोल रहा हूँ एक्सक्लूसिव तो भैया एक्सक्लूसिव ही होगी, नेशनल TV के पास भी नहीं है। वो कल मैं 3:15-4 बजे जब वीडियो अपलोड करूंगा तो फुटेज के साथ आपको वो चीज दिखाऊंगा, एविडेंस के साथ, ऐसे नहीं बोल दूंगा तो बंदी नहीं है। खैर वो पॉलिटिकल वीडियो होगा, वो कल बनेगा। तो साहब मोदी जी ने रायता बिल्कुल बिखेर दिया है। यानी यार जब मैं सुन रहा हूं कल रात से, उसने अगले ने कुछ बोला कुछ नहीं बोला, कोई बयान नहीं आया, कोई नाम बदलने वाली बात नहीं आई, कुछ नहीं आई, बस बटन दबाया और उधर पॉपकॉर्न पट 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 करके कूदने लगी, पूरा कुछ नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ इतना बोला विशेष सत्र होने जा रहा है, ठीक, और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। अच्छा वो भी नहीं सुधरते हमारे मोदी जी, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद एक और घटना कर दी, जो ऑफिशियल्स G20 में इन्वॉल्व हैं उसमें इंडियन ऑफिशियल नहीं लिखा है, भारतीय ऑफिशियल लिखा है इससे भी परेशान है। अनाप शनाप बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं कि मानो इन्होंने ना संस्कृति पढ़ी हो ना संविधान पढ़ा हो। अरे भाई भारत और इंडिया दोनों संविधान के Article 1 में लिखे हैं, जैसा मैंने कल बताया था, बस प्राथमिकता के बाकी बात है कि भारत शब्द को 70 साल में प्राथमिकता नहीं दी गई बस। पर ऐसा नहीं है कि भारत इस देश का नाम भारत नहीं है, बौखला ऐसे रहे हैं, बिलबिला ऐसे रहे हैं बावलों की तरह कि मान लो मोदी जी कोई नया नाम लेके इंट्रोड्यूस कर दिया, कह रहे हैं अब संविधान कैसे बदलेगा, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है इनकी, इसमें क्या नाम है, मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में। अरे भाई संविधान में ऑलरेडी भारत है, संविधान बदलने की क्या जरूरत है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत महामहिम राष्ट्रपति ने लिख दिया अपने इनवाइट पर, तो
तो क्या इसके लिए संविधान बदला, इसके लिए संविधान में संशोधन आया? नहीं आया ना। जब महामहिम लिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आप उसको लीगली नहीं टोक सकते, या टोक सकते हैं? आप तो कह रहे हैं नया नाम आ गया, नया नाम आ गया भारत का ही। क्या मतलब बेवकूफी की बात है यार। अरे मैं चला रहा हूं मिशन भारत, मिशन भारत के नाम से आज से 2 साल पहले से। तो क्या हो गया? क्या भारत नाम नहीं था उस टाइम? भारत किसी और देश का नाम था जो रिजवान अहमद ने अपने मिशन का नाम मिशन भारत रखा? तो भाई ये मोदी जी यार ऐसी गुगली मार देते हैं कि ये बौखला जाते हैं। और बौखलाने का यार कोई कारण भी नहीं है, इन्हें सिर्फ इतना बोलना था मूर्खों को कि साहब ये तो दोनों संविधान के नाम है, सरकार चाहे जो इस्तेमाल कर ले और हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, भारत भी हमारा, इंडिया भी हरा हमारा, बात खत्म। इतना सा जवाब है इस पूरी कंट्रोवर्सी का। और सुनो, अभी सुनाता हूं कहां के कहां ले जा रहे हैं इस मुद्दे को, कहां का कहां ले जा रहे हैं। पहले इनको सुन लो, पहचाना है इन्हें? ये वही हैं जिनकी एक तो स्माइल बहुत क्यूट है और जो कह रहे थे कि बीबीसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर बाद में जलील हुए थे, याद है ना मैंने वीडियो दिखाया था। पहले इनकी, अच्छा इनका तुम कुछ ना सुनो, इनकी तुम सिर्फ अदा देखना, इनकी स्माइल देखना, चेहरे की क्यूटनेस देखना और ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लेना। सुनो, सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं पूरा विश्वास रहा है मोदी जी को इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई, अब नाम बदल रहे हैं और भारत कर रहे हैं। हे प्रभु, ये राष्ट्र पार्टी के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता हैं, मोस्ट सीनियर, बीबीसी के टाइम पर भी बकवास कर रहा था। क्या आप इनकी इडियोसिटी और मूर्खता का कब नाप सकते हैं? मतलब इनकी गहराई की, मूर्खता की गहराई को आप माप सकते हैं कि कह रहे हैं कि मोदी जी को इंडिया नाम से प्रॉब्लम है, अब वो नाम बदलना है। आगे सुनो। तो है मोदी जी आप पर, वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है आपका। सुना क्या क्या बोले जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है, डर आपका, इतना खौफ, मनोरंजन, क्या इनके ये जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं इसका कोई धरातल पर इसका कोई औचित्य है, कोई इसका महत्व है? डज इट होल्ड वाटर इसको बोला जाता है कि नाम बदलना है, डर गए हैं इंडिया से, भारत नाम रख रहे हैं, जैसे मानो इन्होंने संविधान ना पढ़ा हो यार। सिर्फ प्राथमिकता की बात है कि भारत को 17 साल में प्राथमिकता नहीं दी गई, भारत शब्द को। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो गठक दल नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई करवाया था। कैन यू इमेजिन द आयरनी एंड द इडियोसिटी? वो घटक दल, वो शिवसेना जिसने बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई करवाया था, जो रेलवे, जो ट्रेन में लिखा होता था बॉम्बे, उसको काला पेंट करती थी और वहां पर मुंबई लिखती थी, वो इसका विरोध कर रही है कि इंडिया का नाम अब कहा नहीं गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, गजट नहीं है, पर फिर भी, और जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, सिर्फ प्राथमिकता देने की बात है। तो वो लोग जो बॉम्बे का नाम बदल के, भाई पूरी दुनिया में बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, मुंबई कर रहे हैं, करवाया जिन्होंने, वो कह रहे हैं कि इंडिया का नाम बदल के भारत क्यों कर रहे हो, या इंडिया की जगह भारत को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप अजीबो गरीब, आप विडंबना देख सकते हैं, आप दोहरा मापदंड देख सकते हैं। डीएमके, वो पार्टी जिसने लड़के मेड्रॉस को चेन्नई करवाया, बेशरम लोग हैं ये, बेशरम। वो पार्टी जिसने बॉम्बे को मुंबई करवाया, वो मोदी पर उंगली उठा रही है, भारत को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है प्राचीन नाम को? वो पार्टी जिसने लड़के मद्रास को चेन्नई करवाया, वो कह रही है कि भारत को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? वो पार्टी जिसने लड़के कलकत्ता को कोलकाता करवाया, वो लड़ रही है कि ये नाम क्यों चेंज कर रहे हो? कैन आप, क्या
अंदाजा लगा सकते हैं इनके दोहरे मापदंड का, या इनकी मूर्खता का, या इनकी बेवकूफी का है? अब आप जरा इस दूसरे को भी सुन लीजिए, इसको भी सुन लीजिए, इसके शब्द पकड़ के चलिएगा। मैंने तो पकड़ लिए, अभी आपको पकड़वाता हूं, बड़ा मजा आएगा सुनना। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे, देश का नाम बदल देंगे। ये लीडर्स हैं, ये लॉ मेकर्स हैं जो पहले इंडिया की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी जो 52 या 53 सीट लिए बैठी है, वो ये कह रहे हैं नाम बदलना, ये कह रहे हैं देश का नाम बदल देंगे। यार ये लोगों को जब कोई सुनता होगा तो किसी एजेंडे के तहत तो भारत के खिलाफ लिख दे, लेकिन एक आदमी में जिसमें जरा सा इल्म है, जरा सा इल्म है, इतनी भी अगर अकल है किसी आदमी में, तो वो इन पर हंसता होगा। सुनिए आगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे, या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई देश, इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम सुना सुना सुना। यार देखो कमेंटेटर और एडवोकेट, कमेंटेटर में देखो यार कुछ तो फर्क होता है, अब मानो या ना मानो, और अगर मानते हो तो फिर यार नंबर दो हैं भैया, क्या पकड़ के लाता हूं, क्या बोल रहा है? हजारों साल पुराना हमारा भारत देश है क्या क्या आप इसका नाम बदल देंगे? इनके दिमाग और जुबान में कनेक्शन ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बोलना है, इन्हें पता नहीं है एजेंडा क्या है, इन्हें पता नहीं है गेंद क्या फेंकी गई है, बॉल क्या फेंकी गई है, उसको वेल लेफ्ट करना है, उसको ब्लॉक करना है, या उस पर शॉट मारनी है, ऑफ पे मारनी है, ऑन पर मारनी है। ये इतने मूर्ख हैं, ये मोदी जी की समझ ही नहीं पाते, ये गुगली आ रही है, लेग स्पिन आ रही है, दूसरा आ रही है या तीसरा आ रही है, इन्हें पता ही नहीं चलता। इन्हें एक से स्ट्रोक खेलना सिखा दिया गया है। मतलब क्या बात बोली है अगले ने कि नाम बदल देंगे, हजारों साल पुराना प्राचीन भारत देश का नाम बदल देंगे, नाम बदल के भारत कर देंगे आगे चलो एंड की एक बात सुनना, एंड की एक बात सुनना, इसकी पकड़ के लाया हूं, बहुत बढ़िया है सुनना। इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है, भारत का नाम बदल के भारत रखा जा रहा है अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया का नहीं पकड़े बीजेपी को ये सुनो, ये इनका लीडर बोल रहा है INDIA का कि बीजेपी को ये लग रहा है कि इनके 4 वोट कम हो जाएंगे, इस मारे ये नाम बदलना है। यानी अगला ये मान रहा है कि बीजेपी को सिर्फ 4 वोटों का खतरा है, यानी आसान भाषा में बात करूं तो नेग्लिजिबल खतरा है, और उस लिए कह रहे हैं नाम बदल देंगे। ये इन लोगों का पॉलिटिकल एक्यूमेन है, पॉलिटिकल IQ है। आप ये केजरीवाल की जो ये पूरी बाइट है आप सुनो, सुनी होगी आपने, मतलब खुद कह रहा है भारत का प्राचीन नेम, हजारों साल पुराना देश भारत भारत था, और अब हम इसका नाम बदल देंगे, नाम बदल के भैया क्या कर देंगे, नाम बदल के फिर भारत कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।